हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं टेकटक विद राहुल। सो दोस्तों, 2020 में बहुत स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि 15,000 के अंडर है। बट उसके अंदर से मैं 5 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 5 स्मार्टफोन जो कि 2020 में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, वो भी 15,000 के अंडर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर है वीवो का U20, जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 675 AI, जो कि मिड रेंज गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसका 6GB रैम और 64GB का जो इंटरनल मेमोरी हो वो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसका कैमरा तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आपका काम चल जाएगा। जो लोग गेमिंग के ऊपर फोकस करते हैं उसका कैमरा उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सो इसलिए मैंने ये फ़ोन सजेस्ट किया है। दोस्तों, 4th नंबर पर है सैमसंग का न्यूली रिलीज स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A21s। दोस्तों, ये जो ए सीरीज़ का जो स्मार्टफोन होता है ना सैमसंग का, वो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होता है। और इसके अंदर एक्जिनोस का 850, जो कि एक नया प्रोसेसर है, वो भी लगाया है। इसके अंदर आपको 4 कैमरा मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है वो 48 MP, देन 8 MP, देन 2 MP, एंड देन 2 MP का लास्ट कैमरा मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी 13 MP का आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB का इंटरनल मेमोरी मिल जाता है, और आप 512GB तक आप मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों, 3rd नंबर पे ओप्पो का A9 2020 वर्शन। दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इसका जो रैम है 8GB रैम और इंटरनल मेमोरी है 128GB ऑफ इंटरनल मेमोरी। इसलिए मैंने इस फोन को सजेस्ट किया है, क्योंकि गेमिंग के लिए रैम ज़्यादा लगता है। इसका प्राइमरी कैमरा 48 MP एंड वाइड एंगल कैमरा 8 MP, देन और दो कैमरा है 2 MP करके। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का है। दोस्तों, 2nd नंबर पर है Redmi Note 9 Pro, जो कि एक बहुत ही अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको मिलता है 720G, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, विथ नेविक सपोर्टेड। नेविक मतलब इंडियन नेविगेशन सिस्टम सपोर्टेड है। दोस्तों, इसका दो वेरिएंट है, एक 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी, एंड एक 6GB रैम एंड 120GB मेमोरी। दोस्तों, इसके अंदर जो बैटरी मिलता है वो भी बहुत अच्छा है, 5000 mAh का बैटरी, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। आप कैमरा के बारे में बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है आपको, 48 MP प्राइमरी कैमरा, इसके साथ और 3 कैमरा है, जो कि डेप्थ के लिए, एक मैक्रो शॉट के लिए एंड एक वाइड एंगल के लिए। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का। और दोस्तों, आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, 18W का फास्ट चार्ज आप कर सकते हो। पहला नंबर पर है Realme 6, क्योंकि इस रेंज पर इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और कोई मोबाइल पर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, जो कि एक गेम सेंट्रिक प्रोसेसर है, एंड इसमें 6GB रैम एंड 64GB का इंटरनल मेमोरी है, और आप 250GB तक इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हो विथ मेमोरी कार्ड। दोस्तों, इस फोन पे आपको 90Hz का रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस अदर्स फोन से इस फोन पे अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 64 MP का एक प्राइमरी कैमरा लगा है, इसके साथ 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, और इसके साथ 2 MP का एक मैक्रो कैमरा एंड 2 MP का एक मोनो कैमरा लगा है, एंड इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का है। दोस्तों, इस फोन पे आप 30W फ्लैश चार्ज कर सकते हो, मतलब 30 to 40 मिनट में आप 50% ऑफ बैटरी चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।